शाम करीब 7 बजे के दौरान डाका धकाते के घर पर सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन मकान काफी पुराना और लकड़ियों से बना हुआ था, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और इस आग में जलकर बर्बाद हो गए। गाइस, जैसे कि आपने देख लिया होगा सारा इंसिडेंट कैसे हुआ। एक्चुअली कुछ एक्सप्लोजन की वजह से, जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा एंड कुछ न्यूज़ में भी काफ़ी आया है इस सब चीज़ के बारे में। तो रिसेंटली काफ़ी कुछ लॉस हुआ है एंड बाकी सब निकिता बताएगी, क्योंकि हम यहाँ पे उस दिन शूट कर रहे थे एंड उसके बाद ही हमें एक फ़ोन आता है एंड उसके बाद ये सब इंसिडेंट होता है। तो ये बताएगी सारी चीज़ें क्या हुआ एंड क्या क्या चीज़ों का लॉस हुआ है। एंड मैं गाइस आपको ये बताऊंगा कि ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि आप हमारी फैमिली हो एंड आपको हम सारी अपडेट देते रहे हमारे लाइफ के बारे में। एंड गाइस, जिसको भी लगता है जैसे कि हमारा मतलब काफ़ी लॉस हुआ है एंड इसके घर का तो सभी कुछ ख़त्म हो चुका है, तो बस मैं आपको ये बोलूँगा अगर आपको कुछ डोनेट करना रहेगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर करना रहेगा तो बताएगी अभी ये क्या क्या हुआ है, तो बताओ। गाइस, उस दिन हम यहाँ पे शूट में थे, तो हमारा जैसे ही शूट फिनिश हुआ तो हम घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तो मुझे मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि जल्दी घर आ करके, हम एक्चुअली हम सब फैमिली वाले कहीं बाहर जाने वाले थे, तो मेरी सिस्टर का मुझे फ़ोन आता है, तो मुझे लगा कि कहीं मजाक तो नहीं कर रही है ये मुझे जल्दी घर बुलाने के लिए। तो फिर उसने मुझे फिर से रिटर्न फ़ोन किया कि जल्दी घर आ, घर पर आग लग गई है करके, पर ये नहीं बताया था कि किस वजह से आग लगी है। और उसने ये भी कहा मुझे कि मम्मी अंदर फंसी हुई है आग में, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी मम्मी को कुछ तो नहीं हुआ है करके, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे फ़ोन लगा रही थी मैं, बहुत ट्राई किया मैंने फ़ोन पर, किसी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था घर पे, एक्चुअली कुछ फ़ोन घर पे ही थे। तो उसके बाद में मैं जैसे ही घर पहुँची तो बहुत पूरा आग लग चुकी थी मेरे घर पर। मैं 7:45 बजे 26 अक्टूबर को 7:45 बजे आग लगी थी और मैं 7:30 बजे घर पहुंची थी, तब तक के पूरे घर पर आग लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड भी आ गए थे, एक नहीं तीन तीन चार चार फायर ब्रिगेड आए थे, फिर भी आग नहीं बुझ रही थी, इतनी ज़्यादा आग लगी थी। मैंने वो आग की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, बस मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रही थी। और जब मेरी सिस्टर ने बताई नहीं कि मेरी मम्मी अंदर फंसी हुई है करके, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं अपनी मम्मी को ढूंढा, मम्मी को तो मुझे जाने भी नहीं दे रहे थे, मैंने सबको हटाया, फिर भी मैं बहुत मुश्किल से सबको यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी क्योंकि कोई वहाँ पे था ही नहीं, सब अलग अलग थे। बहुत हमारी फैमिली भी जॉइंट फैमिली है, सब बहुत बड़े मम्मी रहती है बाजू में, आगे में हमारा पीछे में है, तो पूरा घर ही जल गया था। फिर मुझे मेरी मम्मी मिली तो मैंने मम्मी को देखा, मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मम्मी ने देखा और मेरी बहनें भी छोटी छोटी है मेरे से, मैं ही बड़ी हूँ सब में से, तो वो लोग भी इतना ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके वजह से पूरा मेरा घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। ये देख सकते हो, मतलब अगले दिन के कुछ वीडियोस है, मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया, आपने देख लिया होगा कि कैसे मेरा घर हो चुका था। हम लोग मतलब हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं थे, कुछ नहीं बचा था हमारे पास में, हमारे कपड़े, हमारे टीवी, अलमारी, पूरा घर का बर्तन से लेके, और सबसे मेन चीज़ जिससे मैं वर्क करती थी, मेरा जो वहाँ पे वर्क का चीज़ें थी जिससे मैं व्लॉग एडिट करती थी, मेरा GoPro जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मैं, वो मुझे प्रणव ने दिया था, वो भी गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरी मम्मी का गोल्ड से लेके तो वो जो कैश रखे थे घर पे वो भी, और मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ पे बहुत सारे कैश रखे थे, यानी उनको भी अपना घर का काम स्टार्ट करना था, न्यू घर का, तो और सामने में भी पूरा आग लग गई, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे उस दिन। हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करेंगे घर के, कहाँ जाएंगे। उस कंडीशन में मैं किसी को संभाल ही नहीं पा रही थी, बिकॉज वो सबके चेहरे से देख रही थी ना मैं। तो वही गाइस, बस आपको ये बताने का एक ही मोटिव है कि आपको सब चीज़ें पता रहे। एंड निकिता की आईडी कुछ दिनों से इसी सब रीज़न की वजह से बंद है अभी, क्योंकि इस इंसिडेंट को होते हुए 1-2 दिन हो चुके हैं एंड अभी जाके थोड़ा बहुत तो हम कंट्रोल में, तो सा इतना कब सब कुछ लॉस मतलब हो चुका है, तो कहीं नहीं गाइस फिर से हम मेहनत करेंगे। ऑलमोस्ट मेरे घर पे मतलब पूरे तीनों घर का मिला के नुकसान 70 लाख का नुकसान हुआ है, घर सिर्फ घर के सामान का, घर का तो नहीं बता सकते और भी घर कितने का था, तो सिर्फ सामान का 70 लाख का नुकसान हुआ है। कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, कपड़े भी नहीं थे, हमें कपड़े भी मिले हैं बाहर से, तो हम मॉर्निंग में ही, रात भर तो हम कोई सोए ही नहीं, तो मॉर्निंग में ही हमने कोई नहीं, अभी जो हो गया तो हो गया, अभी कोई नहीं,
वीडियो तो आएंगे हमारे, फिर से आएंगे और कंटिन्यू वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क करेंगे तभी तो सब कुछ फिर से होगा। एंड आप लोग का सपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है लाइफ में, एंड इतना सब लॉस होने के बाद आपको भी पता है क्या रहता है। सो आपका सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना करो शेयर गाइज, एंड एक ही मोटिव था बस कि आप लोगों को पता चले हमारा जो भी इशू चल रहा है लाइफ में बस उसको, एंड किसी को कुछ देना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप कुछ कर सको तो कर लो गाइज। तो वही, एंड अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा गाइज हमारा, सो वो मैंने ऑलरेडी पहले शूट करके रखा था, इन सब ये सब चीज़ें होने से पहले मैंने वो जो स्टूडियो टूर का वीडियो आने वाला है वो शूट करके रखा था, तो वो भी डालेंगे अभी बाद में, मतलब अभी थोड़े दिन बाद उसको भी डालेंगे। एंड बस कोई नहीं, ये आपको बताना था। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।